सारी सब्जियां जो हमने इस्तेमाल करनी है उनको मैंने छील लिया है, अब मैं धो के इन्हें काट लूंगी। सूप बनाने के लिए मैंने देगची रख दी है। यहाँ पर ये ऑलिव ऑयल है मेरे पास, आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस तरह से नीचे इसमें डाल रही हूँ, जिसमें हम लोग अपनी सूप की सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे जो हमने बारीक बारीक लहसुन काट के रखा हुआ है, और इसको हम अच्छा सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म था तो ये जल्दी से जो है वो ब्राउन हो गया है। साथ ही साथ इसके हम डालते हैं इसमें मशरूम्स, क्योंकि मशरूम जो थोड़े से फ्राई हो जाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मशरूम्स को भी हम हल्का सा इस तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इतना ही रखना है इसलिए मैं इसी में इसको ब्राउन करूँगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स ये मैंने आलू जो काट के रखे थे। जो सख्त चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा सा टाइम लगता है उनको हम पहले इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ ये हमारे पास एक सूप वाली सब्ज़ी है, इसका नाम मुझे नहीं आता, ये मैंने काटी है, ये सूप के पैकेट में ही मुझे मिली थी, तो ये भी मैं साथ ही डाल दूँगी। और इनको हम एक दो बार हिला देंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज काटे थे, चॉप किए थे, उनको मैं डाल रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें जाएंगी जी ये हमने जो गाजरें कद्दूकश करके रखी थी वो, क्योंकि इनको मैंने बारीक कद्दूकश किया है तो इस पर इतना टाइम नहीं लगना, जिन पहले ज़्यादा टाइम लगना था उनको मैंने पहले डाल दिया है इसमें। इसको हम अच्छा सा इस तरह से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, सारी चीज़ों के हल्का हल्का फ्राई होने की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें जितनी भी मैंने इसमें डाली हैं अभी, गाजर, आलू, प्याज, मशरूम्स, उन सबको मैंने अच्छा सा इसमें जो है वो फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन जो हम लोगों ने काट के रखे हैं, ये ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको हिला देते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक और ब्लैक पेपर, और इसमें जाएगा ऑरेगानो, और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी फ़िलहाल। सबसे पहले मैं इसमें एक टीस्पून जो है इस तरह से नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च, तो काली मिर्च भी ये देखें उड़ रही है, ये भी मैंने एक टीस्पून इसमें डाली है। यहाँ पर मेरे पास है ओरिगैनो, और ओरिगैनो जो है वो भी मैं इसमें एक टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट और खुशबू के लिए जितना भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। इनको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। हमारे किचन में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, केक बेक हो रहे हैं, खाना बन रहा है, और पता नहीं क्या क्या, तो डिस्टर्बेंस हो सकती है, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सब्जियों का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें एक कप मैंने पानी ऐड किया है, और इसको पहले हम अच्छा सा हिला लेते हैं। इसमें पानी और जाएगा लेकिन फिलहाल हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। तो इसमें मैंने फ्रेंड्स तीन कप पानी और डाल दिया है, नमक और काली मिर्च भी और डाली है क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी कम थी। आप भी स्टेज पे ये सब कुछ चेक कर लें, पानी डाल दें और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ 10 से 15 मिनट पकने के बाद जो है इसकी शक्ल इस तरह से नज़र आ रही है, ये देखें हर चीज़ जो है वो पक गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो हमने धनिया जो काट के रखा था वो,
और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर आप देखें मैंने ये कॉर्नफ्लावर जो है ये 2 टेबलस्पून निकाल के रखा है। इसमें मैं अभी पानी ऐड करके मिक्स करके इसमें डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रहे हैं। अभी इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं और साथ ही साथ इसको जो है हम हिला देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से जो है ये फौरन जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छा पकाएंगे और फिर बंद कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसको मैं अच्छा सा फेंट रही हूँ और अच्छा सा फेंटने के बाद ये अंडा भी मैं सूप में ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है मेरे बच्चों को, क्योंकि ये अंडा अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो ना भी डालें। फ्रेंड्स अभी मैं जो अंडा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि अंडा डालने से जो है इसकी शक्ल कैसी चेंज होती है। और ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये है जी, ये अब हमारा सूप जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको सर्व करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और दुआओं में याद रखें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश रहें, इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। Wo ist hier die Hälfte? Ja, wo der Verlass hier?